एसफेल्ट ब्रदर्स इन आर्म्स एंड गैंगस्टर जैसे गेम्स अगर आपने खेले है ना तो आपने गेम लॉफ्ट कंपनी के बारे में तो जरूर सुना होगा। वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल गेम कंपनी है ऑफ द वर्ल्ड एंड हाई क्वालिटी मोबाइल गेम्स बनाने के लिए जानी जाती है। बट पिछले कुछ टाइम से ना इसका डाउनफॉल चल रहा है, जैसे कि इसका रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है एंड इसके गेम्स भी लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि जो कंपनी 2014-15 के टाइम पे सबसे बड़ी मोबाइल गेम कंपनी थी वो अब ब्लीड कर रही है, जानते हैं इसकी राइज एंड फॉल आज की इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि गेम लॉफ्ट का ओरिजिन कहां से हुआ। तो इसे स्टार्ट किया था मिकेल गुलेमॉट ने इन 1999। अब ये फैक्ट शायद आपको ना पता हो कि ये को-फाउंडर भी रह चुके हैं ऑफ यूबीसॉफ्ट। बेसिकली पांच भाइयों ने मिलकर यूबीसॉफ्ट स्टार्ट करी थी एंड इनकी जो गुलेमॉट फैमिली है वो पहले फार्मिंग बिजनेस में थी, फिर कंप्यूटर बिजनेस में आ गए और अब तो ये वीडियो गेम बिजनेस में है। खैर गेम लॉफ्ट पे वापस आए तो ये देखते ही देखते वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल गेम स्टूडियोज बन गया था इन द वर्ल्ड। इसके गेम्स मिलियंस में डाउनलोड किए जा रहे थे एंड ये लोग पैसा भी खूब कमा रहे थे। अब आपको एक बार रीजन समझा देता हूँ कि इसके गेम्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हुए। अब गेम लॉफ्ट के अब मैक्सिमम गेम्स देख लो वो किसी न किसी बड़े गेम का क्लोन है या फिर उससे हेविली इंस्पायर्ड है, जैसे कि गैंगस्टर सीरीज बहुत ज्यादा GTA से इंस्पायर्ड है एंड वैसे ही 3D ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम प्ले देखने को मिलता है उसमें। फिर ब्रदर्स इन आर्म थोड़ी कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी है, ज़ॉम्बी इन्फेक्शन को रेजिडेंट ईविल 5 जैसा बनाया गया है, इनकी नोवा सीरीज एक्चुअली में हेलो से इंस्पायर्ड है, शैडो गार्डियन इंचार्टेड से एंड ऐसी लिस्ट बहुत लंबी है। तो भले ही इनकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो एंड इन्हें क्लोन्स कहा जाता हो पॉपुलर गेम्स का, बट इनका कॉम्पिटिटर कोई नहीं था क्योंकि मोबाइल के लिए ऐसे गेम्स भला कौन ही बना रहा था। एंड यही इनकी USP थी कि ये पॉपुलर टाइटल जैसे मोबाइल गेम्स बनाते थे सो दैट मोबाइल गेमर्स भी उन्हें एंजॉय कर पाए। अब इसके चक्कर में थोड़ा बैकलैश भी आता था, जैसे कि नवंबर 2011 में मिकेल से डायरेक्टली पूछा गया कि आपकी ज्यादातर गेम्स क्लोन्स के होते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि यार वीडियो गेम्स इंडस्ट्री में नए आइडियाज आते कहाँ हैं। साल में एक दो नए आइडिया आते हैं ज्यादा से ज्यादा जिनके राउंड गेम्स बनते रहते हैं। अब भले ही आप उनकी बात से एग्री करो या ना करो बट उनकी स्ट्रैटेजी वर्क तो कर रही है और साथ ही उनके सभी गेम्स जो वो हाई क्वालिटी भी बहुत होते हैं, मतलब वेल पॉलिश्ड गेम प्ले होता है जो कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस देता है एंड समटाइम्स इवन बेटर देन दोस जिनकी कॉपी करी गई है। फिर इनकी एक अच्छी बात ये थी कि ये लोग गेम्स में एड्स नहीं डालते थे, मतलब एक मोबाइल गेम कैसे पैसा कमाएगा, या तो एड्स से या माइक्रो ट्रांजैक्शन से या फिर डायरेक्टली गेम सेल करके। अब इन तीनों में से इन्होंने एड्स से तो अपने को बिल्कुल दूर कर लिया था क्योंकि देखो एड्स से ना हमारा एक्सपीरियंस खराब होता है स्पेशली कैंपेन गेम्स में जिनमें गेम लॉफ्ट पूरा फोकस किया करता था। मतलब आप मजे से स्टोरी में आगे बढ़ रहे हो एंड अचानक से 30 सेकंड्स का एड आके आपका पूरा एक्सपीरियंस बिगाड़ देगा। इसलिए जहां दूसरे गेम्स उस टाइम पे एड से मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं उधर ये लोग कहते थे कि यार एड्स डालने पर अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है क्योंकि इससे लोग छोड़ के किसी और कंप्यूटर के गेम पे चले जाएंगे। एंड ऐसा भी नहीं कि वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो, वो भी बहुत कम थी। मेनली वो गेम्स को डायरेक्टली सेल करते थे, स्टार्टिंग में पैसे दे दो गेम डाउनलोड करने के एंड फिर मजे लेते रहो हमेशा के लिए। इसलिए उनकी कमाई ना iOS पे ज्यादा होती थी बिकॉज जो बंदा आईफोन ले सकता है वो गेम भी खरीद सकता है छोटा मोटा। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी में उन्होंने यकीनन क्वालिटी को चूज किया। हाँ, उसके 190 से भी ज्यादा गेम्स हैं एंड स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा क्वालिटी पे फोकस कर रहे थे बट फिर बाद में उन्होंने क्वालिटी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया। 2014 में उन्होंने अनाउंस भी किया था कि उनका मेन फोकस क्वालिटी पे ही होने वाला है एंड इसलिए उनके गेम्स काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के बन के आते हैं। फिर कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत है, मतलब ऐसे नहीं कि वो फ्रॉम सॉफ्टवेयर की तरह बस सोल्सबोर्न गेमर्स के लिए गेम्स बना रहे हैं या रॉकस्टार की तरह बस ओपन वर्ल्ड क्राइम गेम्स बना रहे हैं। वो एक्चुअली में हर टाइप का गेम बना रहे हैं, चाहे वो रेसिंग हो, FPS हो, शूटिंग हो, ओपन वर्ल्ड हो या इवन कैजुअल गेम हो। तो इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप के लोग उनके गेम्स खेलते हैं और उनके ऑडियंस बेस में वैरायटी बहुत है। तो ये रीजंस थे जिनकी वजह से गेम लॉफ्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी बनी। बट फिर 2014 में या फिर 15 में ऐसा क्या हुआ कि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया, बताता हूँ आपको सब कुछ डिटेल में। अब एक टाइम पे गेम लॉफ्ट ना सीनियर ठोक के कहता था कि भाई गेम्स में एड्स नहीं डालेंगे। वो स्ट्रेटेजी ने उसको हर्ट करना भी शुरू कर दिया था क्योंकि पैसा नहीं आ रहा था। मतलब एक तरफ आप हाई क्वालिटी गेम्स बना रहे हो जिसमें पैसा खूब लग रहा है बट आप उतना कमा ही नहीं पा रहे, इसकी वजह से प्रॉफिट्स कम होते रहे एंड बहुत जगह तो उन्हें लॉसेस भी सहने पड़े। एंड इसके बाद हार के उन्होंने गेम लॉफ्ट एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशन सेटअप करना पड़ा जहां वो एड्स रन करेंगे अपने सभी गेम्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स को प्रमोट करने के लिए। फिर मोबाइल गेम्स का ट्रेंड भी काफी चेंज हो रहा था। मतलब देखो गेम लॉफ्ट ना कैंपेन गेम्स भी बना रहे हैं जो कि फ्री भी नहीं है बट अब मोबाइल गेमिंग में फ्रीमियम गेम्स बहुत ही ज्यादा चलने लग गए थे जिन्हें लोग फ्री में डाउनलोड करते हैं पहले, फिर एडिक्ट हो जाते हैं, फिर एड्स से या फिर माइक्रो ट्रांजैक्शन से पैसा कमवा के देते हैं कंपनी को। आज के गेम्स में स्किन्स, कॉस्मेटिक आइटम्स यही सब आने लगी है जिन्हें लोग बाय कर लेते हैं या फिर बैटल पासेस खरीद लेते हैं और इसलिए गेम लॉफ्ट के प्रीमियम गेम्स बिकने कम हो गए थे। इसलिए आप देखो तो गैंगस्टर गेम जो कि पहले पेड हुआ करते थे वो आज की डेट में फ्री में अवेलेबल है डाउनलोड के लिए, बट हाँ उनमें एड्स एंड माइक्रो ट्रांजैक्शंस अब आ गई हैं। फिर एक बड़ा रीजन है विवेंडी का हॉस्टाइल टेकओवर। विवेंडी बेसिकली फ्रांस की एक बहुत बड़ी मास मीडिया कंपनी है जो कि गेमिंग में अग्रेसिवली एक्सपैंड करना चाहती थी। 2013 से पहले ये लोग एक्टिविजन ब्लिज़र्ड के भी मालिक थे जिसके बाद वो इंडिपेंडेंट पब्लिशर बन गया। तो विवेंडी ने अब जबरदस्ती गेम लॉफ्ट को खरीदने की कोशिश करी। बेसिकली ये टाइम था 2015 एंड 16 का जब गेम लॉफ्ट को 16.6 मिलियन यूरोस के लॉस हो रहे थे एंड इसकी वजह से उन्होंने एक साल के अंदर 7 स्टूडियोज
बंद कर दिए थे। पहले उनका एक स्टूडियो हैदराबाद में भी था जो उन्होंने उसके बाद बंद कर दिया। खैर तो कंपनी को पैसों की सख्त जरूरत थी एंड विवेंडी आया मदद का हाथ लेके, बट तब मिकेल को उसके बैड इंटेंशंस नहीं पता थे। पहले विवेंडी ने कंपनी का 6% हिस्सा खरीद लिया, फिर 10% हिस्सा खरीद लिया और फरवरी 2016 तक उन्होंने गेम लॉफ्ट का 30% हिस्सा खरीद लिया था। सो मिकेल समझ गए थे कि जबरदस्ती खरीदना चाहते पूरी कंपनी को एंड उन्होंने सभी शेयर होल्डर्स को समझाया कि अपने शेयर मत बेचना। बट जून आते आते 56% हिस्सा कंपनी का विवेंडी के पास जा चुका था और वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन चुके थे। मिकेल ने गेम लॉफ्ट छोड़ दी एंड यूबीसॉफ्ट चले गए क्योंकि वो समझ चुके थे कि ग्रैंड प्लान एक्चुअली में यूबीसॉफ्ट को खरीदना है एंड गेम लॉफ्ट तो बस फर्स्ट स्टेप था उनका। कुछ टाइम बाद तक गेम लॉफ्ट का 96% शेयर विवेंडी के पास आ चुका था। अब इस पूरी चीज में प्रॉब्लम ये थी कि जब अपर मैनेजमेंट ही चेंज हो जाए ना कंपनी की, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। जो गेम्स में पहले फ्रीडम हुआ करती थी या जैसे गेम्स पहले बनते थे, वैसे गेम्स अब शायद नहीं बनेंगे। सो उसके बाद गेम लॉफ्ट की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा चेंज दिखा। उन्होंने मॉडर्न ट्रेंड्स को चेस करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि नोवा सीरीज बहुत ही पॉपुलर थी एंड नोवा 3 का सीक्वल नोवा लेगेसी के लिए लोग बहुत एक्साइटेड थे, बट वो वैसा नहीं निकला जैसा फैंस चाहते थे क्योंकि उसमें कैंपेन मोड बहुत कम था एंड मेन फोकस माइक्रो ट्रांजैक्शंस पे रखा गया था क्योंकि आजकल वही चल रहा है। सो इस गेम ने सीरीज के 2 फैंस को अट्रैक्ट नहीं किया, साथ ही उन्होंने पुराने गेम्स को अपडेट करना भी बंद कर दिया क्योंकि देखो मोबाइल गेम्स को ना रेगुलर अपडेट्स चाहिए ताकि वो नए फोन्स पे चल पाए एंड प्लेयर्स भी उन्हें रेगुलरली खेलें। बट क्योंकि उनको लॉसेस हो रहे थे तो उन्होंने कुछ गेम्स को अपडेट करना ही बंद कर दिया, एग्जांपल नोवा 3 जो कि आज की डेट में फोन्स पे अवेलेबल ही नहीं है। ऐसी बहुत से फैन फेवरेट गेम्स है जो कि खत्म कर दिए गए हैं। उसके अलावा मार्केट में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। पहले गिने चुने मोबाइल गेम स्टूडियोज हुआ करते थे लाइक रोवियो, जिंगा, किंग, बट अब तो बहुत सारे आ गए हैं। चाइना से इतने सारे मोबाइल गेम्स बनते रहते हैं हर महीने जो टेंसेंट और नटीज के जैसे स्टूडियोज बना रहे हैं। फिर बड़े पब्लिशर्स ने मोबाइल पे फोकस करना शुरू कर दिया है, लाइक एक्टिविजन ने सीओडी मोबाइल निकाल दिया, यूबीसॉफ्ट अपने गेम्स मोबाइल पे ला रहा है एंड ऐसी बहुत सारे बड़े पीसी एंड कंसोल गेम्स मोबाइल पे आ रहे हैं। तो जो गेम लॉफ्ट की स्ट्रेटजी थी कि पॉपुलर गेम्स का मोबाइल क्लोन बना दो, वो अब शायद इतनी अच्छे से वर्क ना करे क्योंकि उनके ऑफिशियल पोर्ट ही मोबाइल पे आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि यार कंपनी खत्म हो गई, भले उसका रेवेन्यू बहुत कम हो चुका है बट आज भी इनके गेम्स को 1.5 मिलियन डाउनलोड्स रोज आते हैं। 7 करोड़ लोग हर महीने इनके गेम्स खेल रहे हैं। विवेंडी के एक्विजिशन के एकदम बाद प्रॉब्लम्स आई थी क्योंकि इनके गेम्स की क्वालिटी खराब हो गई थी एंड वो डाउन भी जा रहे थे, बट अब काफी बेटर हो गए हैं गेम्स। उसके अलावा कंपनी पीसी पे भी शिफ्ट करने का सोच रही है। डिज्नी ड्रीमलाइट वैली उनका फर्स्ट पीसी गेम था जो कि काफी सक्सेसफुल रहा एंड जहां और मोबाइल कंपनीज का रेवेन्यू गिर रहा था, गेम लॉफ्ट एक्चुअली में ग्रो कर रहा था। और बेसिकली फैंस ने ये जानते भी है कि गेम लॉफ्ट हमेशा हाई क्वालिटी मोबाइल गेम से निकालता है, तो अगर वो पीसी एंड कंसोल पे भी कोई गेम लाएगा तो वो हाई क्वालिटी का ही होने वाला है। अब भले इनके मोबाइल से रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहा हो बट वो पीसी एंड कंसोल में काफी ज्यादा एक्सपेंड करने वाले हैं। गैंगस्टर न्यूयॉर्क उसका एक एग्जांपल है। तो ये थी गेम लॉफ्ट की कहानी। ऐसी हिल क्लाइंब रेसिंग कहानी जानने के लिए लेफ्ट वीडियो देखो एंड माइनक्राफ्ट के सीक्रेट फैक्ट्स देखने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।